सुजानपुर रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा सेवड़ा फुली लोकल ट्रेन व रेलवे का ट्रैक निरीक्षण करने वाली टावर वैगन के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। इस टक्कर में टावर वैगन के चालक समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक की अवस्था आशंकाजनक बताई जा रही है। पूर्व रेलवे के CPRO निखिल चक्रवर्ती ने बताया कि घटना शनिवार शाम तकरीबन 4:30 बजे घटी। हावड़ा से सेवड़ाफुलीगामी अब हावड़ा सेवड़ाफुली लोकल श्रीरामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होकर सेवड़ाफुली की ओर जा रही थी, तभी क्रॉसिंग पॉइंट पर विपरीत दिशा से आ रही ट्रैक निरीक्षण करने वाली टावर वैगन के साथ उसकी आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में टावर वैगन के परखच्चे उड़ गए। लोकल ट्रेन की गति काफी कम थी और उसके चालक ने एकाएक इमरजेंसी ब्रेक भी लगा दिया, लेकिन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी काफी कम होने के कारण लोकल ट्रेन ने सामने से वैगन को धक्का मार दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की खबर मिलते ही काफी संख्या में स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को आनन फानन में श्रीरामपुर के वॉल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निखिल चक्रवर्ती ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही हावड़ा से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक नंबर 1 से रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद है, लेकिन बाकी के ट्रैक नंबर 2 और 3 से ट्रेन परिसेवा को सामान्य बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। আমরা এখান হয়েছে বলতে আমরা আজিমগঞ্জ একটা মেল ট্রেন এসে দাঁড়িয়ে গেছে 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এই সারাপুলি লোকাল আর এই লোকালে এইটা পুরো স্টেশন মাস্টারের দোষ, সিঙ্গালের দোষ, আজকে সিঙ্গল ম্যানের দোষ, ড্রাইভার আজকে প্রচুর পাবলিককে বাঁচিয়েছে সারাপুলি লোকালের ড্রাইভার, না হলে প্রচুর লোক মারা যেত। 5 জন উইন্ডেড, তার মধ্যে 3 জন উইন্ডেড হয়েছে এখানকার এই ইঞ্জিনের ড্রাইভার এবং 2 জন আমাদের প্যাসেঞ্জার। একজনের কোমর কেটে বেরিয়ে গেছে আর একজনের পা এবং পাচা ভেঙে গেছে। আমরা এখানকার ব্যবসায়ীদের নিয়ে, জনসাধারণকে নিয়ে টোটোয় করে আমরা সব ওয়ার্ল্ড হসপিটালে পাঠিয়েছি এবং ওর সঙ্গে প্রশাসনের লোককে অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসুন, স্ট্রেচার নিয়ে আসুন। রেলের পরিস্থিতি প্রচুর প্রচুর ভয়ানক, কিচ্ছু নেই রেলের, ট্রেন চলাচল বন্ধ। আমরা এখানকার ব্যবসায়ীদের নিয়ে টোটো ডেকে নিয়ে তাদের সব হসপিটালে পাঠিয়েছি। 5 জন আহত হয়েছে, 5 জন না এখনো পর্যন্ত মারা যায়নি। 8 জনের ঠাই কেটে গেছে, কোমর ভেঙে গেছে।